एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर केसर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इसका सही तरीका क्या है। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि कई लोगों को, कई प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं पता होता है कि केसर का यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो केसर तो बहुत ज़्यादा तासीर गर्म होती है, तो हमें यूज़ करने का तरीका नहीं पता होता है। तो इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जाएगी बिल्कुल सही जानकारी दी जाएगी। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले गाइस, अगर आपने प्रेगनेंसी नॉलेज हेल्प चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, जैसे ही हमें हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है ना, तो हमें एक एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमें नहीं पता होता है, खास करके जो फर्स्ट बार मॉम बनती हैं, नहीं पता होता है कि हमें क्या अपनी डाइट में शामिल करना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को अपने प्रेगनेंसी में डाइट में शामिल करना है ना। तो हमें नहीं पता होता है, जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट बार मॉम बनती हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो हम लोगों को नहीं पता होता है ना। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ बात की जाएगी केसर का यूज़ हम कैसे करें, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, होता क्या है, जब जैसे हमें नहीं पता होता है कि केसर का यूज़ कैसे करना है, और हमारी पहले हम ये जान लेते हैं प्रेगनेंसी के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, ठीक है, तो जिसमें हमारा 3 ट्राइमेस्टर भी होते हैं। फर्स्ट में जो आते हैं ट्राइमेस्टर, वो पहला महीने से लेकर 3 महीने होते हैं, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, ठीक है। सेकेंड में आते हैं चौथा, पांचवा, छठवा, और जो थर्ड होता है ना, तो उसमें आते हैं 7वां, 8वां और 9वां महीना, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना गाइस, तो वो होता है पहली तिमाही, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें मिसकैरेज का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। हमारे खान पान से ही हमें बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि जिसका भुगतान हमारे बच्चे को करना पड़ता है, और हमें मिसकैरेज भी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आपको केसर का यूज़ आप कैसे करें, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है, आपको पता चला है कि हम माँ बनने वाले हैं, आपकी खुशियाँ, आपका बेबी इस दुनिया में आने वाला है, तो आप हमेशा केसर का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ना करें मतलब पहले तीन महीनों में ना करें, क्योंकि पहले 3 महीने बहुत ही नाजुक पल होते हैं। तो गाइस, हमारे गर्भ गिरने का बहुत ज़्यादा चांस होती है पहली तिमाही में, तो हमें केसर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग कहते हैं आपको करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी गाइस, आपको पहले 3 महीने में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो केसर होती है ना गाइस, तो वो उसकी जो तासीर होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। तो आपको पहले 3 महीनों में नहीं करनी है, सिर्फ पहले 3 महीनों में। वैसे तो केसर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है ना, और बच्चे का कलर निखारने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन आपको नहीं पता है कि केसर कितने रेट से उसके यूज़ करना है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम और भी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। देखिए, पहली तिमाही में तो आपको केसर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जब आपकी सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, चौथवा, पाँचवा महीना, तो आपको केसर का यूज़ कैसे करना है, आपको दूध लेना है, ठीक है। तो आपको उसे बॉईल करना है, अच्छे से उबाल आ जाने देना है, उसमें आप 2 या 3 रेसे डालिए, ज़्यादा रेसे नहीं डालने हैं आपको। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे रेसे डाल देंगी तो क्या होगा ना, जब हम पियेंगे तो हमारे संकुचन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए आप 2 या फिर 3 रेसे डालिए, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा है। 2-3 रेसे से ज़्यादा मत डालिएगा, और आप उसे अच्छे से उबालिएगा, उबाल आ जाने दीजिएगा, ताकि उसके जो भी पोषक तत्व हैं उस दूध में आ जाएं, ठीक है। और सारे पोषक तत्व हमारे बच्चे को उसके सारे जो फ़ायदेमंद होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं, हमारे बच्चे को मिल सके, ठीक है। तो अच्छे से बॉइल कीजिएगा उस दूध को, ताकि उसके सारे पोषक तत्व दूध में ही आ जाएं। तो आपको ये यूज़ करने का सही तरीका होता है। और आपको
कोशिश करें आप जब सोती है ना, जब लेटती हैं सोने के टाइम पर, आप उसे हल्का गुनगुना, ज़्यादा गर्म दूध नहीं पीना है आपको, वो जो केसर का दूध होता है वो ज़्यादा बिल्कुल ठंडा भी नहीं पीना है, ना ही ज़्यादा गर्म पीना है, हल्का सा गुनगुना पीना है और बैठ के ही पीना है आपको, खड़े होके नहीं पीना है। काफ़ी सारी महिलाएं होती हैं ऐसी गलती कर देती हैं कि खड़े होके दूध पी लेती है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको, हमेशा बैठ के ही दूध पीना है, ठीक है। आप बैठ के दूध पीजिएगा आराम से, और आपको एकदम एक सांस में भी नहीं पीना है, आपको ढूक ढूक भर के ऐसे दूध पीना है, तो इसके आपको सारे पोषक तत्व होते हैं बहुत अच्छे से प्राप्त होते हैं, तो आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है गाइस। आपको एकदम से ही दूध फिनिश नहीं करना है, ठीक है, आपको आराम से रेस्ट करके दूध को धीरे धीरे पीना है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा, आपको पहले 3 महीने छोड़ देने हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। तो आप लोगों को ये जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने बेबी का भी ध्यान रखें, टेक केयर।